टांग उसकी, वो क्या खा रही है डॉक्टर कही थी वहाँ से दवाई लेने खाने एडमिट करो 103 के 5 मैं कहा मैं भी अन्ने वा पाई जा रही हूँ यहाँ पर मैं बना रही हूँ चाय और मेरी सास और मेरी निकली है नाश्ता मेरा तो नमक कम होता था मैं इसीलिए तो कह रही कि आपका कम होता था जी जनाब यहाँ पर चाय हो चुकी है रेडी और ये जा रही है चाय और वो अनम लेके जा रही है पानी और ये जा रही है चाय जा रही है सुबह का नाश्ता दूसरी दफ़ा जो है और ये देख रही सारे लोग कर रहे हैं नाश्ता ये लो जी चाय आ गई है पानी जैसी दही होती है अच्छा अच्छा ये लें जी अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली तो कैसे हैं दिस इज़ मी साइमा एंड यू आर वाचिंग माय चैनल ज़ारा असद ब्लॉग फाइनली हम लोग जा रहे हैं अपनी बड़ी नंद के घर तो अभी वहाँ पर जाते हैं तो दिखाती हूँ आपको ये और मैंने ये ईद वाला ड्रेस ही पहना है बताइएगा मैं कैसी हूँ क्योंकि आपने पहले देखा हुआ बस जैसी हूँ वैसी लगती हूँ तो बस अभी फाइनली वहाँ पर जाके पहुँचते आपको रास्ते में भी दिखाऊँगी कि हम वहाँ पर कैसे जाते हैं गर्मी थोड़ी बहुत है अभी वैसे मौसम बहुत प्यारा है मिलते हैं थोड़ी देर के बाद जी तो ये देखें ज़ारा कैसी लग रही है बताइएगा जरूर ज़ारा का लुक कितनी क्यूट लग रही है मेरी बेटी इसको बहुत शौक था ब्लैक कलर का सूट तो ये देखें ये कैसी लग रही है और यहाँ पे दिखाती हूँ अफजल साहब ने आज मेरे जैसी ड्रेसिंग किया ये देखें और हाथ रख लो मैं ऊपर से लाऊँगी नहीं अपनी फेस में ना भी रखो मैं नहीं लाऊँगी और ये मेरी नंद की बेटी अनम है फेवरेट बच्ची हमारी ये देखें इसका लुक फेस नहीं मिला सकती किसी भी बच्ची का ठीक है तो बहुत प्यारी लग रही है जी मम्मी पापा रखती हूँ और ये है अम्मी और ये मेरी सिस्टर अनम और ये और मुझे भी दिखा इस तरह पाओ ना पापा आ रहे हैं ना पीछे पापा को नहीं असद इधर आओ दिखाओ मुझे इसलिए मुझे असद इतना बुरा लगता है ना इन हरकतों पे बुरा लगता है मैंने के और ये देखें असद हमेशा की तरह से बदतमीज़ी करता हुआ वो नहीं दिखाएगा कि मैं कैसे लग रहा हूँ वो नहीं दिखाएगा ये मेरी बाजी का नंद का ना एरिया यहाँ पे मेरी बेटी बहुत प्यारी लग रही है भाई जी तो फाइनली हम लोग निकल चुके हैं और ये मेरा गंजा हेलो गंजास ये गंजा बहुत बदतमीज़ है बिल्कुल वीडियो नहीं बनाता तो अभी हम जाने लगे हैं तो धूप बाहर काफ़ी तेज़ है अभी शायद 11:30-11:15 का टाइम है और धूप बहुत तेज़ है तो मिलते हैं बाजी के घर हाँ जी तो हम थोड़ी देर के लिए रुके हैं बाजी के घर के लिए फ्रूट लेने के लिए अफजल साहब गए हैं फ्रूट लेने के लिए और हम धूप में खड़े हैं बहुत तेज़ धूप है बहुत ही तेज़ आज बहुत गर्मी है यहाँ पे कल इतना प्यारा मौसम था बट आज बहुत ज़्यादा गर्मी है तो बस जैसे ही फ्रूट लेके आते हैं बाजी के मैंने फजूल में मार रहा है बच्चा तमीज़ नहीं है और यहाँ पे ये बाग है सारी सोसाइटीज़ बन गई सब बाग शाग सब खत्म कर दिए और ये एक बाग इधर है किन्नू का एक रह गया शायद ये सारा किन्नू का है ना हाँ ये किन्नू का बाग है ये देखिए बस एक बाग रहने दिया बाकी सब खत्म करके यहाँ सोसाइटी बना ली है सब सारे गांवों को इन लोगों ने ना पता नहीं सब खत्म कर दिया सब कुछ ये कितना प्यारा लगेगा और पूरे रोड पर है धूप बहुत ज़्यादा बाजी की ये वाली बन गई इसकी वजह से अम्मी नहीं आती जी तो हम बाजी के आ गए और ये देखें फाइनली ये बाजी की इतनी बुरी गली थी और ये देखें माशाल्लाह से जी इसमें जो टाइल लगी है तरक्कियाँ हो गई हैं काफ़ी देर बाद आए हैं शुक्र है इनकी भी सुनीगी और ये देखें सब भाग रहे आगे आगे किरण को लेने गए बाजी ये देखें हम आ गए घर और अब गर्मी में हम सब बैठ गए ये देखें ज़ारा अम्मी और ये है मेरी नंद का बेटा अभी गर्मी लग रही है वो बस बैठ गए हम लोग पानी शानी पीते हैं फिर करते हैं जी तो फाइनली हमारी कोल्ड ड्रिंक आ गई है और वहाँ पे देखें असद और अफजल साहब पी रहे हैं और हमारी एक उठाएँ अपना गिलास और हम लोग पी रही हैं कोल्ड ड्रिंक ठंडी ठंडी बड़ा मज़ा आ रहा है और ये मेरी फेवरेट है आप सबको अब रट गया होगा ये
जी तो यहाँ पे बन रहा है खाना, क्या बन रहा है भाई? बिरयानी। यहाँ पे बिरयानी बन रही है, चिकन बिरयानी। और ये देखें, ये है देसी, और बनाने वाली है अना। नहीं मैं मैं बिल्कुल नीचे हूँ। और यहाँ पे चावल भिगो दिए थे वो हैं, और वहाँ पे तुम्हें भी नहीं लाऊंगी, टेंशन ना लो। यहाँ पे ये हेल्प कर रही है सवेरा, मेरी बड़ी नंद की बेटी। और यहाँ पे बच्चों का काम चेक करें। ये देखें, असद को इतना शौक है साइकिल का, तो दुआ करें मैं जल्दी से ले लूँ अपने बेटे के लिए भी साइकिल। और ये देखें जुनेद, और ये तैयब, ये बाजी के बच्चे, मेरी बड़ी नंद के बच्चे। और ये इनका घर है, मैं आपको दिखाती हूँ, ओवर घर दिखाती हूँ। ये इनका घर है, नहीं लाऊंगी। ये किस चीज़ का पेड़ है सवेरा? ये आम का। नहीं जामन, जामन किसका? पिलक, पता नहीं क्या चीज़ होती है। ये पिलक का कोई दरख्त है ये, बस जिसका भी है, हमें नाम नहीं आता, आप खुद ही चेक कर लें क्या है। और ये बाजी ने क्या रखा हुआ है, ये देखिए, ये बाजी ने सैलड का सामान रखा हुआ है। और ये बाजी का घर है, ये मेरी नंद का घर है, गांव में ऐसे घर। ये देखें बेसन भी लगा हुआ अभी, क्या देखने के लिए। हाँ जी, ये देखें, ये चिकन भुन के, और आप देखें कितना यम लग रहा है, वाह टेस्टी। और ये पका रही हैं जी हमारी कुक साहिबा अनम, छोटी बाजी की बेटी। आपको पता है छोटी बाजी मेरी छोटी नंद, तो ये बस बनाएगी अभी। ये बस थोड़ा सा गोश्त गलता है, इसके अंदर चावल ऐड कर देंगे, फिर दम पे रख देंगे, और फिर हम पेट में ले जाएंगे और मौज जोड़ेंगे। मौसम बहुत प्यारा हो गया, अभी देखिए ना मौसम कितना प्यारा हो गया, शुक्र है मौसम प्यारा हो गया। और हम थोड़ा बहुत और इन्जॉय करेंगे, फिर इसके बाद हम ससुराल वाले घर भी जाएंगे, ससुराल वाले घर भी नहीं जाएंगे। ये देखें जी जारा के काम, देखें यहाँ पे चढ़ी हुई है, और कच्चे चावल ये जो भिगे हुए हैं ना, ये इसमें से चावल उठाती है और खाती है। और ये देखें कहाँ पे ये चढ़ी हुई है। और यकीन करें बहुत प्यारा मौसम हो गया गांव का, बहुत मज़ा। अभी हम मुरब्बे भी जाते हैं, फिर वहाँ पे कुछ लोग मुरब्बा कहते हैं, मुरब्बे जा रहे हैं, कुछ लोग खेत कहते हैं, हम उर्दू वाले खेत कहते हैं, लेकिन गाँव में अक्सर मुरब्बे जा रहे हैं, मुरब्बे जा रहे हैं। और जारा पहले कहती थी किधर जा रहे हैं जारा, आप मुरब्बे को क्या कहती थी? मुर्दे, मुर्दे, जारा कहते हैं मुर्दे जा रहे हैं। अभी हम जाएंगे, फिर बड़ा मजा आएगा, इंजॉय करेंगे, फुल इंजॉय आज। हाँ तो जाएंगे, बारिश हो रही है ना लाहौर में, तो इधर भी मौसम अच्छा हो गया, शुक्र। यहाँ पे देखिए, मेरी चार सिस्टर्स खा रही है, मेरी नन्नी दे रही है, और ये इतनी खट्टी है, मुझे जरा सा टुकड़ा दिया और बहुत खट्टी है। और यहाँ पे मेरी अम्मी खा रही है पान, और वो है मेरी नंद, बड़ी नंद है ना, उनके हस्बैंड चावल निकाल रही है, बिरयानी हो गई है रेडी। अभी ये चावल अंदर जा रही है, खाना खाते दिखाते हैं आपको जी। तो ये मेरी बड़ी नंद का घर है, मैं आपको दिखाती हूँ, ये इनके अंदर का रूम है, ये इनकी शादी के बर्तन है। और ये देखे गाँव में, ये देखे इस तरह बर्तन लगाए हुए होते हैं, ये देखे, ये देखे, ये इनके घर का है। अंदर का सामान इतना ज़्यादा है ना, तो फिर घर छोटा पड़ता, फिर ऐसे ही होता है गाँवों के, ये हालात होते हैं, इस तरह होता है गाँवों में, ठीक है। और यहाँ पे देखिए खाना लग चुका है हमारा, ये है बिरयानी, और ये सैलड, वाओ क्या डेकोरेट की है। जी हाँ जी, मेड बाय अनम, शुक्र है, ठीक है, ये अनम ने बनाई है बिरयानी। तो अभी हम खाना खाते हैं, और फिर हम जाएंगे मुरब्बे।